हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हम यूनिट टू पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो। पार्ट 11 में हम देखेंगे रोटेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एलिमेंट ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो स्टार्ट करते हैं। रोटेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एलिमेंट, नाम से लग रहा है कि फ्लूइड की, काइनेमेटिक ऑफ फ्लूइड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम फ्लूइड का ऐसा एलिमेंट चूज़ किए जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है। फिर जब वो फ्लूइड और वो एलिमेंट मूव करेगा, तब उसमें क्या डिफॉर्मेशन आएंगे, कितने एंगल पे उसका रोटेशन कंपोनेंट्स क्या होगा एक्स और वाई और जेड के लिए, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द फ्लो इज डिस्क्राइब रोटेशन इफ एवरी फ्लूइड एलिमेंट रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन। ओके, नाउ कंसिडर एनी फ्लूइड एलिमेंट पी ए बी सी एट अ सर्टेन टाइम इन एक्स वाई प्लेन। पी ए बी सी एट अ सर्टेन टाइम टी इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, फिर है आगे। कंसिडर द वेलोसिटी कंपोनेंट यू एंड वी इन एक्स वाई डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। दिस इज द वेलोसिटी, दूसरे कलर से यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको शायद। तो दिस इज माय, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि ये देखो, ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू होता है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी को हम वी से लेके डिनोट करते हैं। ठीक है, नाउ ये हमारा कंडीशन तब का है जब हमने एलिमेंट को लिया और वो टाइम टी पे, पर्टिकुलर टाइम पे हमने लेके रखा, मतलब बिफोर। अब टाइम जब जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा, उसमें डिफॉर्मेशन होने लेंगे, रोटेट करेगा तो डिफॉर्मेशन होगा। तो अभी फिलहाल रोटेशन नहीं हो रहा है, नॉर्मल में रखे हैं। तो ये कोऑर्डिनेट जो हमारा ये पॉइंट है, इससे हम बोल सकते हैं एक्स नॉट वाई नॉट, और ये जो है इसे हम बोल सकते हैं एक्स नॉट प्लस डी वाई और वाई नॉट प्लस डी एक्स, क्योंकि ये डिस्टेंस जो हम पी ए है, ये है हमारा डी एक्स और ये है हमारा डी वाई। हमने लिया कंसिडर एनी टू लाइन सेगमेंट पी ए एंड पी बी ऑफ लेंथ डेल एक्स और डेल वाई और डी एक्स और डी वाई, डी एक्स और डी वाई हमने लिए। ठीक है, अब आप देखो एट पॉइंट पी पे वेलोसिटी कंपोनेंट यू वाई जीरो है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा यू वाई जीरो प्लस डी वाई, क्योंकि डी वाई डिस्टेंस पे ऐड हो गया यहां पे, जिसे हम लिख सकते हैं यू वाई नॉट एक साथ हो जाएगा और ये डी वाई, इसको डी वाई है तो इसे अप्रोक्सीमेट में, क्योंकि हम बहुत स्मॉल होता है तो, या फिर इसे आप टेलर सीरीज से डिफॉर्म करोगे तो ये आपका आएगा यू वाई नॉट प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई। ठीक है, अब इसमें यू नॉट वाई नॉट क्या है, बहुत अप्रोक्स शॉर्ट है, तो इस टर्म को हम निग्लेक्ट करेंगे और सिर्फ ये टर्म को हम मानेंगे कि इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। सेम टू सेम इस पॉइंट पर अगर वी कंपोनेंट हमारा वी एक्स जीरो है, तो इस पॉइंट पे फॉर दिस के लिए, इस पॉइंट के लिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, वी एक्स नॉट प्लस डी एक्स, ठीक है, विच टेंड्स टू वी एक्स नॉट प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स, लिख सकते हैं ड्यू टू स्मॉल और टेलर अप्रोक्सीमेशन सीरीज आप यूज करोगे तो ये टर्म निग्लेक्ट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये बचा। तो इसके थ्रू हम बोल सकते हैं ये हमारा टाइम टी पे है, अगर कुछ देर बाद टाइम डी टी एड हो जा रहा है, मीन्स कुछ देर बाद टी प्लस डी टी जब हो रहा है, तब आप देख रहे हो आपका जो ये फ्लूइड एलिमेंट है ये थोड़ा रोटेट हो रहा है। तो ये पी ए, ये हमारा पी
ए बी सी, ये पी ए हमारा डिस्प्लेस होके इधर की ओर डिस्प्लेस हो रहा है, और ये हमारा पी बी इधर की ओर डिस्प्लेस हो रहा है, देख रहे हैं। ये हमारा पी ए एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है और पी बी हमारा क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। तो एट कितने से, इसे हम ले लेते हैं एट थीटा वन और डी थीटा वन, और दिस इज डी थीटा टू पे टिल्ट हुआ एट टाइम टी प्लस डी टी पे, ठीक है। तो हम जानते हैं ये डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, डेल वी अपॉन डेल एस डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी एड हुआ है, तो डी टी सेम टू सेम एट पॉइंट बी पे ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई एट टाइम डी टी, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक टर्म है, जब हमारा पी ए किस फॉर्म में क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज मींस हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट हो रहा है मींस हम प्लस की बात कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में हम प्लस लेके चलेंगे और क्लॉकवाइज में हम माइनस लेके चलेंगे रोटेशन, ठीक है। क्योंकि डिफॉर्मेशन आप देखो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है मींस पीए से एंटी क्लॉकवाइज की तरफ हो रहा है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं, और पीबी जो हमारा क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है इसे हम नेगेटिव डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो आप थीटा ओमेगा एंगुलर चेंजेस जो हो रहा है वो कितना होगा, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एलिमेंट पीबी के लिए। अब आप पीए के लिए भी निकाल सकते हो और पीबी के लिए भी निकाल लेते हो, हम सबसे पहले पीबी के लिए निकालते हैं एंगुलर वेलोसिटी, तो पीबी के लिए क्या हो जाएगा, अबाउट जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, ओमेगा पीबी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, पीबी क्या हो रहा है हमारा क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज को हमने क्या बोला, नेगेटिव साइन से ले रहे हैं, तो माइनस डी थीटा टू अपॉन डी टी, ठीक है, होता है ओमेगा डी थीटा टू अपॉन, क्योंकि यहाँ पे क्या है डी थीटा अपॉन डी टी होता है, यहाँ पे थीटा टू है इसलिए हमने थीटा टू लेके चला, ठीक है, विच इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे जो डी थीटा टू है बहुत कम डिस्प्लेस, मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी थीटा टेन डी थीटा जो कि बहुत स्मॉल है, देयरफॉर हम इसे क्या लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई का डी वाई डी टी अपॉन ये डी टी विथ डिवाइडेड अपॉन ये डिस्प्लेसमेंट, जो कितना है डिस्प्लेसमेंट, ये है डी एक्स और ये हमारा डी वाई, पी वी के लिए निकाल रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितना है डी वाई, ठीक है, डी वाई से डी वाई कैंसिल, डी टी से डी टी कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, और एक और चीज़ माइनस का साइन मत भूलना, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस में, सिमिलरली द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एलिमेंट पी ए अबाउट जेड एक्सिस कितना हो जाएगा, ओमेगा पी ए इज इक्वल टू डी थीटा वन अपॉन डी टी, क्योंकि पी ए हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज को हम प्लस डायरेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। ये सब हम क्या निकाले, रोटेशन कंपोनेंट है ये सब हमारा, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या डिस्प्लेसमेंट है, डी वी अपॉन डी एक्स कार डी एक्स डिस्टेंस डी एक्स इंटू इसके साथ डी टी भी हैं डी टी और ये डिवाइडेड अपॉन ये वाला डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है।
ठीक है। अब द एवरेज वेलोसिटी, इट्स नॉट, इट्स द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द जेड एक्सिस विल बी ओमेगा जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 ओमेगा पी ए प्लस ओमेगा, दिस इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अबाउट जेड एक्सिस पी बी, और ओमेगा जेड इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा पी ए कितना आया है, डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ओमेगा पी बी कितना आया है, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये हमारा अबाउट जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन कंपोनेंट हमारा निकल गया, और जिसे हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सिमिलरली, और आप बोलो सिमिलरली द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस विल बी ओमेगा एक्स इज इक्वल टू 1/2 डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल वी अपॉन डेल जेड, और ओमेगा वाई इज इक्वल टू 1/2 डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल। ऐसे में ऐसे हमारा एक्चुअल में रोटेशन कंपोनेंट निकलता है इन डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड। जैसे कि इससे पहले हम जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एंगुलर रोटेशन कंपोनेंट निकाला था, तो रोटेशनल कंपोनेंट हमने डायरेक्ट लिख दिया, बोला था कि हमें याद करना पड़ेगा ये, ठीक है। और मैट्रिक्स टर्म से हमने आपको बताया था, उसमें मैट्रिक्स से भी आप कैसे सिंपली याद कर मतलब ध्यान रख सकते हो कि कैसे हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, बट एक्चुअली में जो रोटेशन कंपोनेंट निकलता है हमारा ओमेगा एक्स ओमेगा वाई, ये सब, ये तरीका है कि अगर कोई रेक्टेंगुलर एलिमेंट है एट टाइम टी प्लस डी टी पे अगर टर्न हो रहा है, तो एट थीटा वन थीटा टू पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी उसकी, उससे ये निकलता है, ठीक है। अब द एंगुलर वेलोसिटी और रोटेशनल कंपोनेंट वेक्टर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एक्स आई कैप ओमेगा वाई जे कैप ओमेगा जेड के कैप होता है। देयरफॉर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ओमेगा एक्स की वैल्यू पुट करें डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड आई कैप प्लस ओमेगा वाई की वैल्यू पुट करें डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स जे कैप प्लस 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई है, ठीक है। अब देखो ये कैसे एक्चुअली मैट्रिक्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। टू ओमेगा इज इक्वल टू मैट्रिक्स की तरह काम कर रहा है, क्या आई जे के ठीक यू वी डब्ल्यू डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। अब आई के लिए इसको इससे इंटू कर दे, इससे इंटू कर दे तो ये बन जाएगा। जे के लिए ये टर्म और ये लाइन छोड़ दें, इस यू से इसको इंटू कर दें माइनस इससे डब्लू को इससे इंटू कर दें, बन गया। तो ऐसे में आप फॉर्मूला ऐसे याद कर सकते हो मैट्रिक्स वाले तरीके से, और उसके बाद टू को इधर भेज देना, ठीक है। अब देखो, अब जो आपका ओमेगा फाइनल आएगा जिसे हम बोलते हैं 1/2 कर्ल ऑफ वी, ये हमारा इस पूरे को एवरेज लिखने के लिए तरीका है। ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 कर्ल ऑफ वी, ठीक है। और आप इसे बोल सकते हो वोर्टिसिटी, वोर्टिसिटी टर्म याद आया, वोर्टिसिटी क्या होता है, और बोलते हैं इसे हम बोलते हैं द वोर्टिसिटी इज प्रिफर्ड ओवर एंगुलर वेलोसिटी इन फ्लूइड मैकेनिक्स काई इज इक्वल टू 2 ओमेगा होता है। और आप इसे लिख सकते हो काई इज इक्वल टू 2 ओमेगा विच इज इक्वल टू कर्ल ऑफ वी, लिख सकते हैं। ये टर्म याद रखिएगा,
काई इज इक्वल टू टू ओमेगा होता है, और टू ओमेगा को टू इधर भेज देंगे तो कर्ल ऑफ वी भी होता है, और ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन टू कर्ल ऑफ वी भी होता है। ये टर्म याद रखिएगा। अब इसमें एक नोट याद रखिए, ये फॉर ई रोटेशनल के लिए, फॉर ई रोटेशनल फ्लो कर्ल ऑफ वी ऑलवेज बी जीरो। दिस मीन्स काई भी जीरो, वोर्टिसिटी भी जीरो, रोटेशन कंपोनेंट भी जीरो हुआ, तो दिस मीन्स आपका जो फ्लो है वो ई रोटेशनल फ्लो है। मीन्स कर्ल ऑफ वी, कर्ल इंटू वी, कर्ल ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो, मीन्स फ्लो इज ई रोटेशनल। ठीक है, अब ये कर्ल क्या है, इसका यूज कैसे होगा, अगले लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल में बताऊंगा कैसे इसे, ये जब ये टर्म आता है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, बस ध्यान रखना मैट्रिक्स करके हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल लगाएंगे दो तीन इस टॉपिक पे, और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।